नमस्कार दोस्तों, मीडिया एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में आज का पंचांग और राशिफल, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है 8 फरवरी 2023, दिन बुधवार। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन उत्तरायण। शिशिर ऋतु है, फागुन का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष है। और अगर तिथि की बात करें, हिंदी तिथि की बात करें तो तृतीया 9 फरवरी प्रातः 6:23 तक है, यानी जो तिथि आज लगी हुई है वो कल सुबह 6:23 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। और जो लोग चतुर्थी का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए कल रखना बेटर होगा। तो ये था आज का पंचांग। और आज 8 फरवरी, आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है तो उनको इंडिया एक्सप्रेस और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीष। और आजकल शादी का सीजन भी चल रहा है तो जिनकी आज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का साथ यूं ही बना रहे, तो जल्दी से जान लेते हैं उनके विषय में जिनका आज है जन्मदिन। तो आपका 8 फरवरी यानी 8 आपका डेट हो रही है, तो आपका मूलांक हुआ 8। जी हाँ, 8 मूलांक के आप स्वामी हैं। और 8 मूलांक के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कर्मठ, परोपकारी और गंभीर होते हैं। उनकी वाणी थोड़ी सी कठोर और उग्र होती है लेकिन ये दिल से बहुत अच्छे होते हैं। आप बहुत अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं और आपका जो ग्रह है वो सूर्य पुत्र शनि जी संचालित कर रहे हैं, इसलिए जो भी अपनी लाइफ में करते हैं उसका एक मतलब होता है। और आप बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल आपको लास्ट में मिलता है, यानी कि सफलता आपको मिल जाती है। तो जिनका आज बर्थडे है 8 मूलांक वाले, उनके लिए शुभ दिनांक है 8, 17 और 26। शुभ अंक है आपके लिए 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष 2024-2042। आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी और शनि देवता जी। हाँ, आपके ग्रह के मालिक शनि जी हैं तो शनि जी और हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। और अगर आप किसी शुभ काम में जा रहे हैं तो आपको पहनना चाहिए काला, गहरा नीला, जामुनी कलर। ये कलर सारे अच्छे होते हैं लेकिन इन कलर को आप अगर पहनेंगे तो आपके भाग्य आपका थोड़ा सा ज्यादा साथ देगा। आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा? जी हाँ, अगर व्यापार की और व्यवसाय की दृष्टि से ये साल आने वाला बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे, जो बेरोजगार है वो प्रयास करें, उनको सफलता जरूर मिलेगी। और जो काम आपके अब तक लंबित है वो भी इस वर्ष पूरे होने की पूरी आशा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपका समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर आपका साल बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। और अब जल्दी से जान लेते हैं 12 राशियां क्या कहती हैं। सबसे पहले मेष, आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको सुबह से ही किसी भी जो रुके हुए काम है ना उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है और आपको आज धन भी प्राप्त हो सकता है, बधाई हो। वृष राशि, आज का आप का जो रुका हुआ धन है वो मिल जाएगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और हाँ, किसी अजनबी से आपकी आज मुलाकात भी हो सकती है। मिथुन राशि, आज आपका काम के सिलसिले में अच्छा रहने वाला दिन है। आपका अगर कानूनी विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर के तो आज जीत पक्की है। और कर्क राशि वाले, आप आज थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे और जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है तो उनका ध्यान दीजिएगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति लेकर के आएगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको आज प्रमोशन मिल सकता है और कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं आप आज, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये। कन्या राशि, आज मीडियम रहेगा आपका दिन। आप एक्स्ट्रा खर्चा कर देंगे तो उसके लिए टेंशन से भी रहेंगे, तो आज खर्चा करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। ग्रस्त जीवन में कोई समस्या आ सकती है लेकिन वैसे आप प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन रुके हुए कार्य को पूरा करने का है और आप अपने परिवार से कोई बात कह सकते हैं और हो सकता है आपका कोई पुराना काम है रुका हुआ वो पूरा हो जाए। धनुराशि, आज का दिन आपका बाकी दिन की तुलना में बेहतर रहने वाला है। कुछ खर्चे बढ़ेंगे और इनकम भी ठीक ठाक होगी और जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने साथ साथ औरों का भी भला करेंगे, ये सबसे अच्छा काम होता है और जिससे आपको नाम कमाने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि, आज के दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। किसी मित्र से कोई अच्छी बात अपने लिए सुनने को मिल सकती है और अगर
कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज सावधानी बरतिएगा। मेन राशि आज का दिन आपका मिला जुला फल लेकर के आएगा आपके लिए, और आपका साथी आपके कार्य को पूरा करने में पूरा सहयोग देंगे। और अगर आप किसी बात को लेकर के बहुत लंबे समय से परेशान है ना, तो वो समस्या दूर करने का दिन है आज। तो ये थी आपकी 12 राशियां जो आपके बारे में कुछ कह रही थी। चलिए अब जान लेते हैं, आज है 8 फरवरी और हर दिन का अपना एक इतिहास होता है। आज से पहले 8 फरवरी को बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उस इतिहास को हम लोग जानते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम में मैं बताती हूँ कि आज के दिन आज का क्या है इतिहास। मूड रेलगाड़ी ईस्ट इंडिया रेलवे ने स्थापना की थी, मतलब रेलवे कार्यशाला की आज के दिन 8 फरवरी 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे ना जाकिर हुसैन जी, उनका भी आज बर्थडे हुआ था। आज के दिन 8 फरवरी 1936 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। जी हाँ, आज के ही दिन 1936 में। और आज के दिन 8 फरवरी 1943 को नाव के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी है। और एक 1886 में एक और घटना हुई थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली बार 8 फरवरी 1986 को प्रीपेड टैक्सी की सुविधा स्टार्ट हुई थी। आज 8 फरवरी को बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, तो जल्दी से उनके बारे में बता देते हैं। आज जन्मदिन होता है अशोक चक्रधर जिनका, सब लोग हास्य कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। 8 फरवरी 1991 को उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद अजरुद्दीन, संतोष सिवन, इशिता शर्मा, अनारकली मारिकट का भी आज के दिन ही जन्म हुआ था। आज एक बहुत अच्छे शख्स हैं जिनका जन्मदिन, बहुत शख्सियत बहुत अच्छी है, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जी हाँ, आज के दिन जन्म होता है हमारे गजल गायक जगजीत सिंह जी का, जिन्हें हम लोग गजल किंग भी कहते हैं। 8 फरवरी 1941 में उनका जन्म हुआ था राजस्थान देश श्री गंगानगर में। और आज अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गाई एक एक गजल आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी। वो उनकी उनकी आवाज में वो बात थी जो हमारे दिल को छू जाती थी। और उनकी बहुत सारे यादगार गीत हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, एक गजल जो उनकी गाई हुई है जो उन्हीं के ऊपर आके रुक जाती है, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए हो। जगजीत सिंह जी की आवाज में वो जादू था ना, जो एक ठहराव था, वो अब नहीं सुनने को मिलता, अब कहीं नहीं है। वो बहुत बहुत ज्यादा सबके दिलों में राज करते थे, वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बर्थडे पर हम और इंडिया एक्सप्रेस उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं जगजीत सिंह जी का। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम राशिफल और आज का इतिहास। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आऊंगी कल का कुछ इतिहास लेके, पंचांग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आसपास खुशियां फैलाइए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान दीजिए। नमस्कार।